एस टेट में सभी स्टूडेंट को रिजल्ट मिलेगा, जो 50% जनरल वाले हैं वो सभी पास कर जाएंगे, 50% से जो ऊपर रहेंगे सभी जनरल पास कर जाएंगे, जो 45% से ओबीसी एससी एसटी रहेंगे वो सभी पास कर जाएंगे। इसलिए केस फेस के चक्कर में नहीं पड़े, देखिए अभी कैसे हुआ है। प्राथमिक में या ना उस फर्जी डिग्री वाला वो है, वो अलग उछल कूद कर रहा है, जब 5 महीना में 6 महीना में कर लिया है वो 18 महीना में, उसके बाद कह रहा आप ज्वाइनिंग दो, 5-7 हज़ार की डिग्री ले लिया है, फल झरिया डिग्री है, उसको अलग नौकरी चाहिए। अब चाहे 2-2 लाख जो खर्च किया उसको नौकरी नहीं चाहिए, उसी को पहले चाहिए। इसलिए जो इसका नेता है स्टेट में केस करने के वाला है, उसको 68 नंबर नहीं जुट रहा है, इसलिए वो सबको घसीट रहा है कि भाई हमारे केस में आप। जो मूर्खानंद है वही इसके किस में जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कम से कम पास हो जाएगा जो लोग। तो ई बहाली ने अगला बहाली 39,000 तुरंत निकाल लेगा सरकार, तो उसमें तो कम से कम हाथ रहेगा तुम्हारे हाथ में, नहीं तो पता चला किस किया तो इधरों से गया उधरों से गया, ये प्राथमिक में तो जाइए रहा है, इधरों से कह रहे तुम लोग चल जाएगा, तो चोरा के फिर में नहीं पड़ो। वो 2017 में सबके लिए डूबा है पैसा वैसा, कुछ किया नहीं, डबल बेंच जाएंगे ट्रिपल बेंच जाएंगे, अब गलत क्वेश्चन का नंबर दिलवाएंगे, कुछ नहीं, नंबर उससे कभी हाथ नहीं लगा। और जे लोग मूर्खा लोग है उसको देवे के फेर में कि हम देंगे तो जाओ दो पैसा, होगा कुछ नहीं। और सबको मैं बता दिया हूँ ना, ओबीसी एससी एसटी का 45% पर रिजल्ट होगा, जनरल का 50% पर, सबको रिजल्ट मिलेगा। और 7 साल तक एस्टेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी, उसके अंदर में ही अभी 37,500 जैसे भी बहाली प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद जो 39,000 जो भी हाल फिलहाल में तुरंत, अरे भाई लगले दोनों हो जाएगा, चुनाव का समय है अभी, ऐसा माहौल नहीं मिलेगा कभी, इसलिए हमको लगता है ढेर लड़कन के रिजल्ट हो जाएगा और ढेर के भी नौकरी मिलेगा, इसलिए सब इस पर ज़्यादा ध्यान दें।